आप 100 से ज्यादा एम्बुलेंस आपने भी देखे, हम जो है ना सवाल दर सवाल नहीं करते सर, लोगों के एहतजाज का मैं बताता हूँ। देखें जब वाकया होता है, देखें जिस वक्त इंसिडेंट होता है काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं, पुलिस चूँकि वहाँ पे मौजूद थी, हर हर बंदे का दिल होता है कि उसकी जो भी कैजुअल्टी है वो उसको जल्दी से जल्दी मिल जाए, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियाँ ऐसी होती हैं, हमने डेड बॉडीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है, उनके सैंपल लेने होते हैं, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनके सैंपलिंग करनी होती है, इसमें टाइम लगता है, जिससे बाज़ों का जनरल पब्लिक जो है वो एजिटेट हो जाती है। ज़ाहरी बात है एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर हमेशा इनकन्वीनियंट होता है, सिक्योरिटी ऑलवेज कम्स विद इनकन्वीनियंस। अभी सिक्योरिटी देखें हम कर रहे हैं, आपने बाहर देखा पब्लिक फिर भी कह रही थी जी ये अभी इतनी देर क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग कि वो उन्हीं की बेहतरी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। एक सवाल का जवाब, एक सवाल तो मैं भी पूछूंगा आप लोगों से कि अगर इस तरह से नहीं हुआ चले जहना, तो फिर ये 210 जो जख्मी थे और जो 75 डेड बॉडीज थे, ये इस रात को शिफ्ट किस तरह से हुई हैं? आप लोग भी उधर थे, वहाँ से जब शिफ्ट हुई है अपने हॉस्पिटल जी, मेरी अर्ज नहीं, मेरे पास भी वीडियोज हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मुझे भी बात करने दीजिए ना कि खैरपुर से जो है ना से हर जिले से 10-10, 20-20 एम्बुलेंस आपने देखे, इवन जो हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे आए तो उस वक्त उनको जो है ना उठाने के लिए मरीज अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि वो उससे पहले ही नवाबशाह पहुँचाए चुके थे और नवाबशाह से जाके उन्हें जाके शिफ्ट किए हैं। तो जो है ना मेरे हवाले से लाजमी है जो है ना कि ह्यूमनली जितना पॉसिबल था वो हुआ है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। SSP जामशोरो और DC जामशोरो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपनी गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि जो भी काम किए जा रहे हैं लोगों की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं, उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से तहकीकात आगे बढ़ती जाएंगी लोगों को उन तमाम अफराद की डेड बॉडीज़ वापस कर दी जाएंगी जो उनके प्यारे थे, लेकिन इस तमाम प्रोसीजर में वक्त लगता है और एक ख़ास मैकेनिज़म को फॉलो करना पड़ता है।